सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। बहुजन सर्वा, नाम बताइए। मेरा नाम दानिश लांबे और मैं भारत मुक्ति मोर्चा से तकरीबन 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत सारी बातें हमारे अमन कमेटी के सदर साहब, उन्होंने अपना होदा नहीं बताया, सदर साहब है, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और सामाजिक इश्यूज पर बहुत सारी बातें बताई। मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं बहुजन क्रांति मोर्चा से, भारत मुक्ति मोर्चा से जो जुड़ा, उसके पीछे जो बुनियाद उस दिन थी, आज भी यही है कि इस देश में जो संविधान बना, उस संविधान पर कोई अमल नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले संविधान पर अमल हो जाए और वो बराबर से लागू किया जाए। और संविधान में SC का नाम है, ST का नाम है, OBC का नाम है, माइनॉरिटी का नाम है और इन लोगों को ही हक नहीं मिलता। और जिन लोगों का नाम ही नहीं है, वो लोग यहाँ की सत्ता पर, यहाँ के सारे रिसोर्सेस पर और यहाँ पर मेरिट के नाम पर उन लोगों को बिठाया जाता है और वो लोग दे क्या रहे हैं, वो मेरिट से गए हुए लोग इस देश को दे क्या रहे हैं। भ्रष्टाचार, गरीबी बढ़ रही है, इसके रिसोर्सेज यहाँ के उठा के बाहर दिए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश आ चुका है। जब आजाद हुआ था देश, सो कॉल्ड आजादी जो हमको मिली थी, उस वक्त कहाँ थे और आज कहाँ है। तो हम लोगों ने ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से अलग अलग संगठनों को और अलग अलग पक्ष के लोगों को, अलग अलग जात और धर्म के लोगों को हमने जो यहाँ बुलाया, वो ये फिकर दिलाने के लिए कि जिन लोगों की भलाई के लिए देश की आजादी की बात रखी गई थी, वो आजादी हम लोगों को मिली ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इस मोर्चे के जरिए से, आपने देखा होगा, हमने कहीं पर किसी का कोई फोटो नहीं लगाया, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक साथ। और हम लोगों ने इसको सिर्फ बहुजन क्रांति मोर्चा का नाम रखा, बहुजन कहा। और ये नाम जो है हमको हमारे महापुरुषों ने दिया, ये कंसेप्ट भी हमको हमारे यहाँ के मूल निवासी महापुरुषों ने हमारे को दिया था। हम उनकी विचारधारा को और उनकी सारी कोशिशों को, जो वक्तन फोक्तन हालात के साथ दबाई जाते रही और अलग अलग लोग, एक एक समाज के और एक एक धर्म की, एक एक जात के लोगों ने जो है हमारे महापुरुषों को जो बांट के रखा है, हम उन तमाम महापुरुषों की विचारधाराओं को साथ में लाकर ये मोर्चा कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक है, हम सब मूल निवासी है, हम सब एक है, ये बात का मैसेज देना चाहते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा।